ट वन अपॉन एट वट इज द नंबर तो वो नंबर क्या है तो इस एक्सरसाइज में मेनली हम सीखेंगे इक्वेश बनाना और उनको सोल्व करना तो सबसे पहले क्या इफ यू सब्टन बाय टू फ्रोम ए नंबर किसी नंबर में से आप वन बाय टू सब्टेक्ट करते हो तो हम नंबर लेट कर लेते हैं लेट ए नंबर है एक्स और उसमें से क्या सब्टेक्ट करना है सब्टिंग वन बाय टू फ्रोम द नंबर और अगर उस नंबर में से हम वन बाय टू सब्ट करते हैं तो क्या मिलता है एक्स माइनस वन बाय टू उसके बाद क्या कहें एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय वन बाई टू और ये सारा रिजल्ट आ गया इसको मल्टीप्लाई किससे करना है वन बाय टू से और यहां हमने ध्यान से करना है कि मल्टीप्लाइंग बाय वन बाय टू इस पूरे को वन बाय टू से मल्टीप्लाई करना है तो x माइनस वन बाय टू पूरे की मल्टीप्लाई करनी है तो ब्रैकेट लगाने हमें कंपल्सरी अगर हम सिर्फ मल्टीप्लाई करके वन बाय टू लिख देंगे तो उसकी मल्टीप्लाई के टर्म से होगी तो मल्टीप्लाई वन बाई टू हम आगे भी लिख सकते हैं और पीछे भी लिख सकते हैं तो इस पूरे की मल्टीप्लाई वन बाय टू से करनी थी और ये बाइनोमियल थी इसलिए ब्रैकेट लगाने कंपल्सरी है तो वन बाय टू की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हम क्या करेंगे वन बाय टू की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे वन बाय टू एक्स और वन बाय टू की मल्टीप्लाई वन बाय टू से करेंगे तो क्या बन जाएगा वन बाय टू मल्टीप्लाई वन बाय टू और ये हमारे पास क्या आ जाएगा वन अपॉन टू एक्स माइनस वन बाय फोर तो यहां तक हमने सोल्व कर लिया कि मल्टीप्लाई रिजल्ट बाय वन बाई टू यू गेट वन अपॉन एट तो मल्टीप्लाई करने से हमें ये मिला लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है जब आप इसको माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई कर लोगे यू विल गेट वन बाय एट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है ये जो वन अपॉइंट टू एक्स माइनस वन अपॉइंट फोर है किसके इक्वल है वन अपॉइंट एट के इस तरह से हमने ये इक्वेशन बना ली और जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे इक्वेशन सोल्व करने का मतलब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना ही होता है और जब हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और एक्स हमारा वो नंबर था जो हमें चाहिए था तो कैसे सोल्व करेंगे इसको हम मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी इक्वेशन सोल्व करनी होती है तो हम पूरी इक्वेशन का इकट्ठा ले लेते हैं ये वन बाय टू एक्स है 1 4 है टू फोर और एट सबका जब इकट्ठा एल्सियम ले लेंगे टू फोर और एट का तो एल्सियम आ जाएगा एट एट को टू से डिवाइड किया फोर फोर वन जार फोर तो ये आ गया फोर एक्स माइनस एट को फोर से डिवाइड किया टू और ये टू आ गया एट को एट से डिवाइड करेंगे वन और वन वन हजार वन जब हम पूरी इक्वेशन का इकट्ठा एक एल्सियम लेते हैं तो इस कॉमन एल्शियम को हम छोड़ सकते हैं तभी छोड़ सकते हैं जब हम पूरी इक्वेशन का इकट्ठा एक एल्सियम लें तो ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन बन गया फोर एक्स माइनस टू इक्वल्स टू वन माइनस के टू की ट्रांसपोजिंग कर देंगे वहां जाके प्लस हो जाएगा फोर एक्स क्या हो जाएंगे वन प्लस टू थ्री और एक्स क्या आ जाएगा फोर यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री अपॉन फोर और यही हमारा आंसर है रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या आ गया एक्स थ्री अपॉन फोर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज वन हंड्रेड फिफ्टी फोर मीटर एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसका पेरीमीटर गिवन है हमें ए वन हंड्रेड फिफ्टी फोर मीटर इट्स लेंथ इज टू मीटर मोर देन ब्रेथ जो इस स्विमिंग पूल की लेंथ है वो टू मीटर मोर यानी दो मीटर ज्यादा है किस से ट्वाइस, इट्स ब्रेथ। जो ब्रेथ का ट्वाइस है means अगर ब्रेथ को डबल कर दें उससे भी टू मीटर ज्यादा है क्या चीज लेंथ तो व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल तो उस स्विमिंग पूल की लेंथ और ब्रेथ क्या होंगी ये हमें फाइंड करनी है तो लेंथ के बारे में तो हमें बताया हुआ है कि लेंथ इज टू मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ और ब्रेथ नहीं पता हमें तो हमें मान लेंगे लेट कर लेंगे कि लेट ब्रेथ इक्वल्स टू एक्स मीटर जो ब्रेथ है स्विमिंग पूल की वो एक्स मीटर है और लेंथ तो हमें गिवन है क्या है लेंथ टू मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ जो ब्रेथ है उसका ट्वाइस ब्रेथ थी एक्स उसका ट्वाइस क्या हो गया टू एक्स और फिर उसमें से भी कितना ज्यादा टू मीटर तो टू एक्स प्लस टू ये सारे क्या हो गए मीटर तो उस स्विमिंग पूल की लेंथ है एक्स मीटर और ब्रेथ आ गई टू एक्स प्लस टू मीटर और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल और स्विमिंग पूल तो उस स्विमिंग पूल का हमें पेरीमीटर गिवन है तो जिसकी हमने लेंथ और ब्रेथ अपनी एक्स की फॉर्म में फाइंड किया है तो हम पहले उसका पेरीमीटर एक्स की फॉर्म में ही फाइंड करेंगे सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सो ऑफ़ रेक्टेंगुलर जो पूल है क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ तो टू मल्टीप्लाई लेंथ क्या आती है हमारे पास ये लेंथ टू एक्स प्लस टू और ब्रेथ क्या हमारे पास एक्स तो प्लस में एक्स कर दिया तो टू इंटू ये हमारे पास क्या आ जाएगा टू एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स प्लस टू टू बार मल्टीप्लाई में और पूरे के बाहर है तो दोनों टर्म से इसकी मल्टीप्लाई होगी टू की मल्टीप्लाई थ्री एक्स से करेंगे और मल्टीप्लाई टू से करेंगे तो क्या आ जाएगा फोर तो उस रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का पेरीमीटर हमने क्या फाइंड कर लिया सिक्स एक्स प्लस फोर और जबकि क्वेश्चन में हमें क्या दिया था कि पेरीमीटर और रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज वन फिफ्टी फोर तो ये वन फिफ्टी फोर मीटर उसी पूल का पेरीमीटर है और ये सिक्स एक्स प्लस फोर हमने निकाला ये भी उसी पूल का पेरीमीटर है इट मीन ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सिक्स एक्स प्लस फोर यानी कि जो पेरीमीटर और स्विमिंग पूल है किसके इक्वल हो गया वन हंड्रेड फिफ्टी फोर मीटर का तो ये इक्वेशन बन गई और अब हमें इसे सोल्व करना है प्लस का फोर वहां जाएगा ट्रांसपोजिंग से तो माइनस का हो जाएगा वन फिफ्टी फोर माइनस फोर वन हंड्रेड फिफ्टी तो सिक्स एक्स है वन हंड्रेड फिफ्टी और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी सिक्स एक्स यानी सिक्स मल्टीप्लाई में एक्स है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा सिक्स तो वन फिफ्टी को सिक्स डिवाइड करेंगे सिक्स वन जार सिक्स सिक्स टू जार ट्वेल्व और सिक्स फाइव 30 थर्टी एक्स आ गया हमारे पास ट्वेंटी फाइव मीटर और एक्स क्या था हमारे पास एक्स थी हमारे पास ब्रेथ ऑफ स्विमिंग पूल सो ब्रेथ क्या आ गई हमारे पास स्विमिंग पूल की ब्रेथ ऑफ स्विमिंग पूल क्या आ गई हमारे पास क्वल टू एक्स इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव मीटर और लेंथ क्या थी हमारे पास पूल की लेंथ हमने लिखी थी लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल क्या थे हमारे पास टू एक्स प्लस टू तो टू मल्टीप्लाई एक्स हो गया और एक्स की वैल्यू क्या फाइंड किया हमने ट्वेंटी फाइव तो टू मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव प्लस में टू तो ये बन गया हमारे पास फिफ्टी प्लस टू फिफ्टी टू मीटर तो उसकी ब्रेथ आ गई स्विमिंग पूल की ट्वेंटी फाइव मीटर लेंथ आ गई फिफ्टी टू मीटर और हमें यही फाइंड करना था वाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ स्विमिंग पूल सो आंसर में हमारे पास लेंथ आ गई फिफ्टी टू मीटर और ब्रेथ आ गई हमारे पास ट्वेंटी फाइव मीटर अपने आंसर को हम चेक कर सकते हैं ये लेंथ है हमारे पास ये हमारे पास ब्रेथ है पैरीमीटर फाइंड करके देखेंगे तो वही वन हंड्रेड फिफ्टी फोर मीटर ही आएगा जो हमें क्वेश्चन में गिवन था